हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यू आर विद शिल्पा भाटिया। तो आज हम जाने वाले हैं शॉपिंग करने। एक्चुअली मैं शॉपिंग करने नहीं, मैं बस आपको एक स्टोर दिखाने लेके जा रही हूँ, जिस स्टोर में आपको सारे इंडियन प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है, थिंग्स टू पैक फॉर कैनेडा, तो उसमें मैंने बहुत चीजें बताई हैं जो कि बहुत मैंडेटरी होती हैं, राइट, यूटेंसिल्स में स्पेसिफिकली, लाइक कुकर। तो आपने हर वीडियो पे सुना होगा कि आपको कुकर कैनेडा में नहीं मिलता, तो यहाँ पे इस स्टोर पे आपको कुकर भी मिलता है। ऑलमोस्ट सेम प्राइस ही रहता है जो इंडिया का प्राइस रहता है, 10% ज्यादा से ज्यादा होता है। बट इसका भी एक चीज है कि अगर आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हो, तो मैं आपको एक चीज और बताऊंगी कि कैसे आप इस स्टोर पे जाके डिस्काउंट ले सकते हो, राइट। तो आप इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, मैं आपको सारा स्टोर घुमाऊंगी, हमें क्या क्या इंडियन प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं यहाँ पे, चाहे बर्तन है या खाना पीना है या कुछ भी चीजें हैं। तो ये प्योरली एक इंडियन स्टोर है, सो लेट्स गो। ओके, तो हियर वी आर। तो हम यहाँ स्कॉट रोड पहुंच चुके हैं, ये स्टोर स्कॉट रोड पे है और स्टोर का नाम है बिग बाजार। तो यहाँ पे सब कुछ इंडियन चीजें मिलती हैं, आप ये इसके आगे बोर्ड से ही देख सकते हो, सारे पल्सेस वगैरह एंड सब कुछ। सो लेट्स एक्सप्लोर एंड लेट्स डू सम शॉपिंग। सो मैं पहले यहाँ से कार्ट ले लूंगी। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा इंडियन चटोरी वगैरह है, सौफ है, स्टार्टिंग में ही जब हम एंटर करते हैं, रजनीगंधा है, टॉफियाँ हैं, चॉकलेट्स है जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगी, इंडियन चॉकलेट्स, मंच चॉकलेट भी रहती है। गॉट इट, या मंच एंड वन फाइव स्टार एज वेल दिखाती हूँ। यहीं से ही मैंने राखियाँ भी देखी थी, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक राखियों के बारे में भी बताया था, दैट फेस्टिवल वाइब्स इन कैनेडा। तो सबसे बढ़िया राखी लगी मुझे यहाँ पे। प्लेट्स भी हैं यहाँ पे रेडीमेड, पर भाई तो मेरी दूर है, इंडिया में है, कोई बात नहीं, मैं उनको पार्सल कर दूँगी। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट कुकर, मतलब लिटरली इस कुकर ने मेरा वेट बैक का बढ़ा दिया था, बट ये कुकर मुझे यहाँ भी मिल सकता है। अगर आप टोरंटो या कहीं और किसी और प्रोविंस में जा रहे हो, ओंटारियो वगैरह में या नोवा स्कॉशिया में, आई एम नॉट श्योर वहाँ आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, यू डू योर रिसर्च वेल। बट वैंकोवर का मैं आपको बता सकती हूँ, फिर कमिंग इन वैंकोवर देन सरी में स्कॉट रोड पे ये बिग बाजार स्टोर में आपको ये कुकर हो गए, इंडियन बर्तन हो गए, सब मिल जाएंगे। तो अगर आप ला रहे हो तो ठीक है, बट अगर इनकेस आप भूल जाते हो या आप नहीं ला पाते हो, तो आपको स्ट्रेस आउट होने की जरूरत नहीं है, इंडियन क्वालिटी वाले बर्तन है ये, क्योंकि मैं खुद यहाँ से बर्तन यूज कर रहा हूँ। मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हॉकिंस का ये कुकर पे इन्होंने डील लगा रखी है, पहले इट वॉज फॉर 59.99, अभी 49.99 है, $50 का 3 लीटर का। तो वो बात वही पड़ती है, $50 का मतलब कुछ अराउंड आपके 3,000 हो गए, राइट। तो मैंने जो अपने लिए वहाँ पे 3 लीटर का कुकर लिया था और मैं लेके आई थी, वो मेरा 3,500 का ही था। तो मतलब वो सेम ही प्राइस पड़ जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, 10% और 20% प्लस और माइनस, प्लस ही होगा माइनस तो होगा नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने इंडियन ड्रिंक्स भी रखे हुए हैं, सारी फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल एंड फ्रूट शॉपिंग मेरी इसी स्टोर से रहती है, क्योंकि मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला कि आप कहाँ से वेजिटेबल्स लेते हो, अफोर्डेबिलिटी क्या है और सब कुछ, क्या बजट रहता है। तो देखिए, स्टार्टिंग में मैंने बहुत अलग अलग स्टोर से सब्जियाँ ली, बट मैं किसी भी स्टोर को कंपेयर नहीं करूँगी, बट मुझे एज सच क्वालिटी वाइज, प्राइस वाइज मैं बात नहीं करूँगी, बट क्वालिटी वाइज मुझे इस स्टोर की जो सब्जियाँ हैं या जो फ्रूट्स हैं वो बहुत फ्रेश लगे। तो ये कड़ची है, ये कड़ची मैंने ली थी यहीं से एंड ये अभी 5.99 की है, जब मैंने ली थी तब आई थिंक ये 5.49 की थी या $5 की थी, क्योंकि मैं कड़ची लाना भूल गई थी। बाकी आप वुडन के स्पैचुला वगैरह ज़रूर लेके आना जब आओगे, अदरवाइज क्योंकि आपके नॉनस्टिक बर्तन होंगे जैसे मैंने बोला, तो उसके लिए वुडन की ज़रूरत रहती है, बट एक कड़ची होना ज़रूरी है कोई भी सब्जी वगैरह बनाओगे। तो मैं लाना भूल गई थी, अगर इन केस आप नहीं लाते हो, आप भूल जाते हो और आपको ज़रूरत है, तो आप सीधा स्टोर पे आके खरीदो। यहाँ पे देखो आपको चाय का बाटा, कढ़ाई वगैरह सब कुछ मिल जाता है, ऑलमोस्ट नॉनस्टिक कढ़ाई भी है इनके पास, एल्युमिनियम पेपर बैग भी है। ये वोली डिबिया है, इफ़ यू रिमेम्बर मैंने आपको बताया था कि मेरे पास डिबियाँ हैं छोटी छोटी जिसमें मैं अपने स्पाइसेस स्टोर करती हूँ, तो वो इससे थोड़ी सी छोटी हैं बट सेम ऐसी ही दिखती हैं। तो मैंने वो अमेजोन से ली थी, तो आप ऐसे डिब्बीज भी ले सकते हो अगर आपको नमकदानी नहीं लेनी है,
यहाँ पे ग्लासेस मिल जाते हैं अच्छी क्वालिटी के प्लेट्स। तो यहाँ पे आपको वुडन के भी सारे यूटेंसिल्स मिल जाएंगे, स्पैचुला वगैरह। तो इधर मग भी मिल जाएगा, बेलन भी मिल जाएगा। तो आप अगर इस स्टोर में शॉपिंग करने आते हैं तो आपको 5% डिस्काउंट मिल सकता है। तो आपको वीडियो की एंड में पता चलेगा कि आप वो कैसे 5% डिस्काउंट ले सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं और हमें यहाँ पे क्या क्या सामान मिल सकता है। सबसे मज़ेदार सेक्शन मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। ये जो लेस है इस पर 20 रुपीज़ लिखे है, दैट मीन्स ये इंडियन लेस है। अगर मैं लेस, कुरकुरे कुछ भी पिक कर रही हूँ, मैं ये देख के पिक करती हूँ, अगर उस पर ये नहीं है, ठीक है, अगर उस पर ये वाला टैग लगा हुआ है, दैट मीन्स ये कैनेडियन है। अब आपको ये कैनेडियन वाले तो हर जगह आपको मिलेंगे, आप सोचोगे अरे कुरकुरे चिप्स तो कहीं और भी है, बट आपको वो इंडियन फ्लेवर चाहिए तो ये है, क्योंकि फ्लेवर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कैनेडा के और इंडियन के, ठीक है। तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, एंड मतलब अगर आपको इंडियन चीज़ें पसंद है तो लेस है, लिटिल हार्ट्स हैं, क्रैक्स हैं, मैट एंगल्स हैं, फ्रूटी है, ये जो बेस्ट ऑफ एशिया का रहते हैं, ये इंडियन है, ये मट्टी मटर वगैरह यहाँ पे सब कुछ है। तो अगर आपको मट्टी मटर वगैरह खाना पसंद है, बिस्किट्स खाना पसंद है, गर्मियाँ हैं या ठंडे हैं, आपको रोबसा पीना पसंद है, तो यहाँ पे सब मिल जाता है। अभी ये देखिए यहाँ पे हल्दीराम की सारी नमकीन है, तो मुझे नमकीन वगैरह लेनी होती है तो मैं यहीं से लेती हूँ। अभी फ़िलहाल यहाँ ऑफ़र चल रहा है कि अगर एक नमकीन वैसे 175 की है कुछ कुछ, तो वो अगर हम दो एक साथ लेते तो वो $1.50 की एक पड़ती है। इनफैक्ट आप मानोगे नहीं, जब मैं स्टार्टिंग में कनाडा आई थी, सेम नमकीन जो अभी दो मिल रही है $3 की, ये सेम नमकीन मैंने $2.50 की ली थी, ये आलू भुजिया, क्योंकि मतलब मुझे था कि चाय के साथ नमकीन तो चाहिए, और हल्दीराम इज़ लाइक ऑल टाइम इंडियन, पॉकेट फ्रेंडली है कि $1 में आपको नमकीन का पैकेट मिल जाता है, एंड लाइक फ्लेवर्स भी काफ़ी अच्छे हैं इधर। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द इंडियन प्रोडक्ट तो आपको यहाँ मिलेगा, और कहीं मिले या ना मिले, हाइड एंड सीक बिस्किट भी मिल जाते हैं मुझे यहाँ पे, मोनाको भी मिल जाता है, ठीक है। तो वो एक हैप्पीनेस रहती है कि अपनी वाली की हाँ कि मुझे वो चीज़ मिल गई, वरना कहीं नहीं मिल रही थी। इनका जब मैं स्पाइस सेक्शन में आई, अब मैंने आपको बताया 50-50 ग्राम थोड़ा थोड़ा स्पाइसेस ले आओ, अब मुझे स्पाइसेस चाहिए, 50 ग्राम तो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो तो इनका इतना बड़ा स्पाइस सेक्शन है कि मतलब ऐसा कोई स्पाइस नहीं है, इंडियन स्पाइस जो आपको नहीं मिलेगा। मतलब आपके पास धनिया पाउडर चाहिए, आपको मिर्ची चाहिए, हल्दी चाहिए, मसाला चाहिए, जीरा पाउडर चाहिए, सब कुछ इधर आपको मिल गया। मीट शॉप भी है जहाँ पे नॉनवेज, दो मैं तो नॉनवेज खाती नहीं हूँ, तो यहाँ पे वेज भी है, तो मैंने ये वेज ट्राई किया हुआ है, पनीर ट्राई करा हुआ मैंने, ये वाला भी पनीर ट्राई, वेज में कुछ ट्राई करना है, ये लोग चाप भी देते हैं तो वो कर सकते हो। अभी देखो इनका डील भी चल रहा है, ओह गॉड, ये तो मुझे पता ही नहीं था, मैंने अभी देखा, बिग डील फ्रॉम बिग बाजार, विच मीन्स $100 की शॉपिंग करूँगी तो मुझे ये दूध फ्री में मिलेगा। अदरवाइज इस दूध की कॉस्ट है $7, नाइस, सही है। मैं तो मतलब आई थिंक ये इसी हफ्ते डील लगी है, क्योंकि मैं हफ्ते पहले आई थी, यहाँ से आटा लिया था मैंने, एंड यहाँ पे आटा भी मेरे को काफ़ी कंपैरेटिवली सस्ता लगा, तो मैं यहीं से ही लेती हूँ, आटा लिया था, चावल लिए थे मैंने। तो मतलब मेरा जो, मैं वही बता रही हूँ, ऑल टाइम गो स्टोर रहता है वो, मेजरली वो यही रहता है। जो कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिली देख के, वो है ये मेरा फेवरेट फेस वॉश, बिकॉज लाइक मैं कैनेडा में और मैं दुखी हो गई, जितना मैं लाई थी वो सब तो ख़त्म हो गया था। तो फिर जब मैं इस स्टोर पे आई फर्स्ट टाइम, एंड आई गॉट इट, मैंने बिना सोचे समझे, कुछ चीज़ें होती है ना, आप प्राइस नहीं देखते हो, आप कुछ सोचते नहीं हो, आपको वो चीज़ चाहिए तो आपको चाहिए, तो वैसे ही बहुत ऐसे लोग हैं। फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया, कह रहे ये स्टोर भी है, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे बहुत कुछ है इंडियन चीज़ें। तो मतलब हमें रियलाइज़ हुआ कि हम इधर उधर भटक रहे थे, और हमें यहाँ पे एक तरीके से मिनी इंडिया शॉपिंग वाला सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे, तो हमें इधर उधर क्यों भटकना है ना। जैसे यहाँ पे फेयर एंड लवली भी है, दो मैं यूज़ नहीं करती, पॉन्ड्स क्रीम है, फेम ब्लीच है, जिन लोगों को ब्लीच की ज़रूरत है एंड उनको समझ नहीं आता कि कैसे, यहाँ पे वैक्सिंग भी है, अभी इन्होंने $7 का है वैक्सिंग का बॉक्स, स्ट्रिप्स भी हैं, लाइक गर्ल्स कन्फ्यूज रहती हैं, कंसर्न रहती हैं, यहाँ पे वीट के भी रिमूवल है, एंड तो ऑलमोस्ट सब कुछ मूव है, आयोडेक्स है। तो मेरा मकसद इस स्टोर पे आपको लेके आने का सिर्फ इतना सा था कि इफ़ यू आर न्यू टू कैनेडा और इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम कैनेडा,
ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना सामान को लेके, खाने पीने को लेके। यहाँ पे इंडियन सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आपको इनिशियली थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगेगा कि चीज़ें महंगी हैं, बिकॉज आप एक तरीके से इंडिया से आ रहे हो और ऑब्वियसली करेंसी डिफरेंस है। बट अगर आप जब थोड़ा टाइम में स्टार्ट करोगे अर्न करना, तो आपको बहुत बेसिक लगेगा। $1, $2, $3 इतनी कोई बड़ी बात नहीं लगेगी। तो अगर आप अकेले रहते हो, आपको ज़रूरी नहीं है बड़ा बड़ा पैकेट लो, आप बल्क से ले सकते हो। सबसे बेस्ट चीज़ लगती है मुझे स्टोर की स्पाइसेस हैं या फिर दालें हैं, ये सब कुछ इंडियन चीज़ें डालते हैं यहाँ पे, फ्रेश होती हैं, क्योंकि मैं पर्सनली यहीं से ही ख़रीदती हूँ। जीरा हो गया, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ा बड़ा 500 ग्राम का, 200 ग्राम का, 1 किलो का पैकेट लो। आपको जितना चाहिए आप उतना थोड़ा थोड़ा ले सकते हो। सारे ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ पे हैं, राइट। तो मतलब मुझे सबसे बेस्ट चीज़ ना यही लगती है स्टोर की, कि आप बाउंडेड नहीं हो कि आपको बड़ा पैकेट लेना ही लेना है। दे हैव गिवन अस दिस बल्क ऑप्शन, आपको जितना लेना है जो लेना उतना। तो इस स्टोर पे मैंने आपको दिखाई दिया है कि सारी इंडियन चीजें हैं। तो अब आपको फोकस करना है जब आप कनाडा आ रहे हो कि आप अपनी असेंशियल चीजें लेके आओ, बिकॉज असेंशियल चीजें इसलिए लेके आओ क्योंकि बाद में जितनी बार भी आप घर से पार्सल मंगाते हो या घर से बार बार चीजें मंगा रहे हो तो वो बहुत महंगी पड़ती हैं। तो जो आपकी बहुत जरूरत की चीजें हैं उन चीजों पर फोकस करो। ये जो चीजें होती हैं, छोटे छोटे बर्तन हो गए, छोटा छोटा खाना पीने की चीजें हो गई, स्पाइसेस हो गए, वो सब आपको यहाँ पे स्टोर में मिल जाएगा। तो ये था हमारा बिग बाजार, एंड ये इसकी जो लोकेशन है वो स्कॉट रोड पे है। अगर आप गूगल में डालोगे बिग बाजार स्कॉट रोड तो वो आपको डायरेक्ट कर देंगे। इसका एक्सटेंशन नंबर 1 है। अगर आप कॉल करके पूछना चाहो कोई चीज़ है या नहीं, आपको वो भी मिल जाएगा, पता चल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको मैंने बताया जैसे 5% डिस्काउंट आपको मिल सकता है स्टोर पे, तो वो कैसे मिल सकता है? अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप स्टोर में जाके कम से कम $25 की शॉपिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको जो है मेरी वीडियो दिखानी है कि आपने ये वीडियो देखी है, एंड आपको आपका स्टूडेंट आईडी दिखाना है, आपको स्ट्रेट 5% डिस्काउंट आपके टोटल बिल पे मिलेगा। बट उसमें ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिन पे नहीं मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल आटा हो गया या डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, लाइक दूध हो गया या पनीर हो गया, लस्सी हो गई, तो ये दही हो गई। तो ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं ये ऑलरेडी बहुत लोअर प्राइसेस पे लगे रहते हैं। एंड जो आटा है, मैं आपको ये बताती हूँ, जैसे मैं जब से कनाडा आई हूँ शेर आटा ही यूज कर रही हूँ, तो पूरे सारे स्टोर्स में, राइट, कनाडा में अभी तक, मतलब मैंने बहुत सारे स्टोर्स में गई हूँ, सबसे सस्ता शेर आटा जो है वो इसी स्टोर पे है। तो ऑलरेडी वो बहुत मिनिमल प्राइस पे है, तो इसलिए उस पर वो डिस्काउंट नहीं देते हैं आटा वगैरह पे। अदर देन दैट, आप कुछ भी शॉपिंग कर रहे हो, बर्तन वगैरह ले रहे हो, तो आपको उस पर डिस्काउंट मिलेगा 5%। तो आप ये वीडियो को जितना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो करिए। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, नोन्स हैं आपके, जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास उनका वैलिड स्टूडेंट आईडी है, सो टेल देम कि ये वीडियो जाओ, ये वीडियो दिखाओ, सब्सक्राइब करो चैनल को, ये वीडियो दिखाओ, एंड 5% डिस्काउंट लो शॉपिंग पे, इंडियन प्रोडक्ट्स पे। एंड उसके अलावा ये ऑफर लाइफ टाइम नहीं है, ये ऑफर सिर्फ 30 सितंबर तक ही है। तो जो भी स्टूडेंट्स पहले से हैं या अभी आए हैं या आने वाले हैं टिल 30 सितंबर, डू नॉट मिस ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। आप इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज, मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। एंड मतलब मैं जितना जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है या जो भी असेंशियल चीजें हैं इन कैनेडा, मैं पूरी कोशिश करूंगी आप तक सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज पहुंचाती रहूं, आप तक सारी इन्फॉर्मेशन दूं। So subscribe to my channel. Thank you.